ये क्या मिस्टर बीस्ट का कॉलर है क्या? क्या? हाँ सच में मिस्टर बीस्ट का कॉलर है. Hello, Mr. Beast. Hey, Alphaz. I am challenging you to find the scariest underground bunker you can and then spend 24 hours inside of it. Hope it's not haunted. Good luck. ये क्या? Guys, Mr. Beast, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर ने हमें चैलेंज किया है 24 घंटे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर के अंदर बिताने के लिए. क्या हम ये कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल. गाइस, मिस्टर बीस्ट ने गलती कर दी हमें चैलेंज देकर, क्योंकि सिर्फ हमें चैलेंज नहीं किया, ये चैलेंज आप लोगों के लिए भी है. हम पूरे इंडिया के लिए चैलेंज है और दिखा देते हैं कि हम जो इंडियंस क्या क्या कर सकते हैं. तो आज हम बिताने वाले पूरे 24 घंटे एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर. इसी के साथ भाई पावर दिखाना तो पड़ेगा ही अपना, तो फटाफट से जो लाइक का बटन है ना वो दबा देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना. कितने लाइक होने चाहिए? 3 लाख. ठीक है, कर दो. मिस्टर बीस्ट को पावर दिखा दो 3 लाख लाइक्स कर. और इसी के साथ जय हिंद जय भारत. ये गाइस, जो बंकर्स होते हैं वो होते हैं एकदम सीक्रेट. और मिस्टर बीस्ट ने भी बोला है कि सीक्रेट बंकर के अंदर हमें 24 घंटे बिताने हैं. तो क्या आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा है बंकर? नहीं. कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा. गाइस, क्योंकि बंकर एक्चुअल में सीक्रेट ही होते हैं, उसका कुछ आता पता नहीं होता है. तो जब इसको हटाते ना तो यहाँ पर एक बंकर के ऊपर ही खड़े थे. जी हाँ गाइस, ये रहा बंकर के अंदर जाने का दरवाजा. वो और गाइस, बंकर में से कूद कर नहीं जाना, इसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रॉपर सीढ़ी भी बना रखी है और अंदर एक पूरा कमरा सीमेंट से बना रखा है. जी हाँ गाइस, ताकि वो मजबूत हो जाए ना. गाइस समझ लो कोई एटम बॉम्ब फट जाए, ज़ॉम्बी अटैक हो जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए, तो अगर आप इस बंकर के अंदर चले गए ना, खत्म. आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है. इसके अंदर जो पावर हमने लगा रखा है वो भी सोलर से चलता है, तो पावर की कोई दिक्कत नहीं है. हमारे पास बैटरी बैकअप भी है और सारी चीजें, खाना पीना. अभी तो हमने 24 घंटे के लिए इसको प्रिपेयर किया है, बट इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम भी बिता सकते हैं. तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि अभी जो वो ज़ॉम्बी अटैक हुआ है और हमें जाना है हमारे बंकर के अंदर. चलो गाइस, हम जा रहे हैं हमारे ज़ॉम्बी प्रूफ बंकर के अंदर. ज़ॉम्बी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर इसके अंदर हम जो चले जाते हैं. वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि एक सीक्रेट जगह है, तो अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल है. गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे बंकर के अंदर, जिसके अंदर हमें 24 आवर्स सर्वाइव करना है. बट उससे पहले गाइस, मैं आपको बताऊं, काफी सारे लोग है ना मिस्टर बीस्ट की वीडियोस नहीं देख पाते थे क्योंकि वो इंग्लिश में होती थी. अभी सबको इंग्लिश आती नहीं होती है, बट उसका सॉल्यूशन अभी आ चुका है. आपको क्या करना है, मिस्टर बीस्ट के मेन चैनल पर ही जाना है. उनका कोई भी वीडियो आपको जो मजा आए वो वीडियो जो वो प्ले कर लेना है. एंड यहाँ पर कॉर्नर में एक सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है. जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास सामने आ जाएगा ऑडियो ट्रैक वाला ऑप्शन. ऑडियो ट्रैक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी लैंग्वेज है, उसमें से आप हिंदी सिलेक्ट कर उनके मेन चैनल पर ही हिंदी में वीडियोस देख सकते हो. वो कमरे में रखी हर एक चीज को देख रहे हैं. उन्हें 100 दिनों के लिए हमने काफी खाना दिया है जो कि हेल्दी है ना, काफी मजेदार. चलो अभी उनको छोड़ते हैं, अभी आते हैं हमारे बंकर पर. गाइस, ये बंकर जो हमने छोटा सा बनाया है, जैसे कि हम इसको बना रहे थे बहुत बड़ा, बट देखो दिक्कत ये आई. बताए हमने 6 फीट ड्रिल किया ना, 6 फीट खड्डा खोदा, उसके बाद जो एक पत्थर आ गया और उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाए. बहुत ही मजबूत पत्थर था, हमने कोशिश भी करी बट इससे नीचे नहीं जा सकते थे. तो हमने थोड़ा सा इसको सॉर्ट किया ना, इसकी वजह से मेरी हेड का बंदा जो इसमें फिट तो नहीं आएगा. ऑलमोस्ट अगर आप 5 फीट के हो, 5 तो आप इजीली इसमें फिट आ सकते हो. ठीक है, बाकी गाइस जो ये पूरा हमारा बंकर है उसकी साइज है 8x8, यानी कि इसके अंदर 5 लोग आराम से, डूम्सडे वाली सिचुएशन हो ना तो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं 5 लोग. अभी गाइस यहां पर आए तो पहले तो बंकर में आने के लिए हमने एक सीढ़ी लगा रखी है. एज यू कैन सी मजबूत सीढ़ी है, इससे आप नीचे उतर सकते हो. और भाई बंकर के अंदर होते हैं तो बहुत ज्यादा डर भी होता है. जब डर लगता है ना, टाइम जो वो पास नहीं होता है वो भी आपको पता है. तो इसके लिए गाइस यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए हमने एक टीवी लगा रखा है, साथ ही साथ एक PS5 है. बाहर ज़ॉम्बी अटैक कर दे, लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, भाई सब हम यहाँ पर गेम्स खेल सकते हैं पूरी सेफ्टी के साथ. ठीक है, अभी गाइस बंकर के अंदर है तो आपको पता है खाना वगैरह तो लगेगा ही लगेगा. अगर ऐसी सिचुएशन है आप बाहर नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पर गाइस हमारे पास इंडक्शन. सिंपली इस पर कोई भी चीज रखो, जैसे कि हमने ये बर्तन रख दिया, ऑन करो, खाना बनाओ, मजे से खाओ. ये ऑक्सीजन के सिलेंडर और पोर्टेबल है इजीली. ठीक है, 3 इसमें सिलेंडर है, इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में. इसको घर साइड में. गाइस यहाँ पर है हमारे पास एक माजा का पूरा पैक. अगर गाइस आपके पास ऐसा वक्त नहीं है कि आप खाना नहीं बना सकते हो, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि आप खाना नहीं बना सकते हो, तो ये लिक्विड कैलोरी लेकर आप टाइम पास जो कर सकते हो. खाने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। बाद में ये है हमारा पानी का स्टोव। और गाइस ये जो आप देख रहे हो ये है पूरा फूड कंपार्टमेंट। इसको जैसे हम नीचे से खोलेंगे तो हमारे पास कुछ और कोल्ड ड्रिंक्स भी है। इसको ओपन करते हैं तो और कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास में। यहाँ पर खोलने पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जिसमें है कप नूडल्स। अब करना क्या है, कप नूडल कैसे बनते हैं, गर्म पानी जो गर्म करो और इसको बस इसमें डाल दो गर्म पानी को, ऑटोमेटिक बन जाते हैं, सिंपल सी चीज है। और गाइज ये आ गया एक और कंपार्टमेंट, तो इसके अंदर है गाइज बहुत सारे पार्ले जी बिस्किट। तो भाई ये खाना काफी सर्वाइव कर सकते हो बस। और यहाँ पर एक और कंपार्टमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे कप नूडल्स जो हमने डाल दिए। आप मेरी हालत देख रहे हो, पसीना पसीना हो रखा है। ऐसे में यहाँ पर रहना तो बहुत मुश्किल होने ही वाला है, बट देखते हैं। यहाँ पर पांच बंदे, पांच कितने, छह छह बंदे गए, आप देख सकते हो कैसा फील हो रहा है। चौबीस घंटे यहाँ पर नहीं बीत पाएंगे ऐसा लग रहा है। उसके लिए भी हमने एक सुविधा कर रही है गाइस। यहाँ पर है हमारे पास एलेक्सा। आप इसको तो जानते ही होंगे, बहुत हमारी अच्छी दोस्त है। इसको कहेंगे तो ये कुछ जुगाड़ कर देगी। एलेक्सा टर्न ऑन फ्रेश एयर। गाइस ये जो आपने देखा ना, ये फ्रेश एयर बाहर से आ रही है। देखो ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हो ना गाइस, इससे आ रही है फ्रेश एयर। एलेक्सा टर्न ऑफ फ्रेश एयर। कर दिया बंद। ठीक है गाइस, तो हमारे बिस्किट्स ये है। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी चीजें क्यों लाए हैं। मैं आपको ये ट्रिक भी सिखा रहा हूँ कि सर्वाइविंग करते कैसे। उसके लिए कोई ऐसा ठोस खाना नहीं होता, पनीर टिक्का, पनीर मसाला भुर्जी, ऐसा ही अवर नहीं होगा, ठीक है। तो हम जो चैलेंज करते हैं वो होते हैं सर्वाइवल चैलेंज, जिसमें आपको हर कंडीशन में सर्वाइव करना है। तो अभी बिस्किट्स मिल गए हैं, वो बहुत बड़ी बात है ना। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट। कम खाने में ज्यादा सर्वाइव करना है हमें। मुझे पहली बार लग रहा है कि ये चैलेंज हमारे लिए हार्ड होने वाला है। आप चेहरे पर देखते हो पसीना पसीना जो वो भी हो रहा है, और इन सब की भी जो हालत अभी खराबी हो रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं कब तक हम टिक पाते। वैसे हम हार तो मानने वाले नहीं है, कुछ भी कर 24 घंटे बिता ही देंगे। बट अभी कर लिया, देखते आगे क्या क्या हो गया। तो गाइस अभी हम लोग बैठे हुए हमारे बंकर के अंदर, सबको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बट अब क्या करें, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए हम खेलने वाले हैं GTA 5। गाइस तो हमारी गेम जो ऑन हो चुकी है, ये फ्रैंकलिन ना इसका नाम। हाँ, फ्रैंकलिन। तो गाइस ये है हमारा कार कलेक्शन GTA 5 का, एक जो वो अपने पास में है G-Wagon, McLaren, एंड यहाँ पर है हमारे पास डोज, और एक जो हमारे पास बाइक भी है। तो बाइक लेकर चले गाइस। तो ये निकली अपनी बाइक और मजे में जो हम घूमने जा रहे हैं शाम को। अब प्लेन चुराने चले। गाइस वो हमारा पसंदीदा मिशन है। हम क्या करते हैं, कोई भी गाड़ी लेनी है और बाद में जो अपना पैसेंजर प्लेन होता है ना एयरपोर्ट का, उसे चुराने चलते हैं। चलो मजा आएगा। ये बड़ा वाला है ना, हाँ उसको मैं ले लूंगा। ये वाला गाइस डबल इंजन वाला है, बहुत बड़ा। ये बंदा ऐसे ही रहेगा, एक बार प्लेन में घुस गया ना। हाँ अभी बैठो, कुछ नहीं होगा, तुम घुमा लेते हैं। गाइस प्लेन जो हमने सक्सेसफुली ले तो लिया है, बट जब तक टेक ऑफ नहीं होता कुछ गारंटी नहीं है। हो गया गाइस, तो सक्सेसफुली हमने एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्लेन, आप देख सकते हो ये चुराया है। अभी कुदा दो, ये गया प्लेन से बाहर। ओपेरासूट भी है, ओपेरासूट भी खुल गया। ओ तेरी, प्लेन गिर रहा है नीचे। ओ मलबा जा रहा है गाइस, धमाका होगा। ओ यार ये तो सच में जैसे रियल में होता है ना वैसे ही हुआ। गेम खेलते खेलते अच्छा वक्त जो बीत चुका है, तकरीबन दो ढाई घंटे हमने बिता दी। हाँ, हम दोपहर को आए थे गाइस, और कल दोपहर तक हमें यहाँ पर रहना है। अभी खाना खाना है या फिर चाय वगैरह? चाय। ठीक है, अभी चाय बनाते हैं। दोपहर को तो हम हल्का फुल्का खाकर आए ही थे, अभी खाना जो रात पे खाते ना। और हमारे पास नूडल्स के अलावा कुछ और है भी नहीं। ठीक है, ये रहा इंडक्शन कुकर, भैया ये रहा बर्तन। चाय बन रही है हमारे बंकर के अंदर में, और बंकर है जमीन के 6 फीट नीचे। ये जो आप देख रहे हो ना 6 फीट ऑलमोस्ट जो गिन सकते हो आप, उतना नीचे है ये। ठीक है गैस, अभी चाय बनाते हैं। ओके गैस, तो यहाँ पर अभी जो हमारा पानी उबल जाएगा।
चाय तो कुछ ही देर में बन जाएगी हमारी। गाइस तो बंकर में बनी हुई चाय अभी तो धुआं निकल रहा है ज्यादा, ठीक है बन गई है अच्छी टंकी बनी है गाइस, अभी चाय पीते हैं और बाद में कुछ टाइम पास करते हैं। 24 घंटे बंकर में पता नहीं कैसे हमारे बीतने वाले हैं। गाइस यहाँ पर दिक्कत जो हमने सोचा था वो हो रही है, समीर को जो वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर अंदर पैक्ड है। ये लो मास्क लगा लो, इसमें लग नहीं रहा मास्क लगा जल्दी लाओ लाओ मैं कर देता हूँ। मिल रही है सर गाइस, तो ये काम कर रहा है और ये प्योर ऑक्सीजन है इसके अंदर। कैसा लग रहा है अभी, फ्रेश लग रहा है? फ्रेश है अभी। अगर आपकी सांस जो घुट जाती है एक बार में तो आपको बस थोड़ी देर के लिए फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए होता है, जब वापस आप ट्रैक पर आ जाते हो ना तब आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में वापस से सांस ले सकते हो। अभी किसी को ऐसे पहले दिक्कत हो ना तो बता देना, ठीक है? पहले ही हम लोग ट्राई कर लेंगे। दो घंटे से हम ऐसे बैठे हुए, अभी आप मेरा चेहरा देख सकते हो, पसीना पसीना हो रखा है और सबका यही हाल है। मेरे हिसाब से मुश्किल होने वाला है ये चैलेंज, क्योंकि जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और कोई भी चीज़ होती ना तो हम सह लेते, खाना नहीं मिलता पानी नहीं मिलता, बट ये सिचुएशन थोड़ी सी हार्श हो रही है। देखते हैं जो कितने लोग 24 आवर तक टिक पाते, क्या लगता है? मुश्किल है किशन, नाक में बहुत वैसा हो रहा है कि ज्यादा खींच नहीं सकते हम हवा। सलमान स्पेस थोड़ी कम है ना तो घुटन हो रही है, घुटन बहुत ज्यादा। हाँ घुटन वही से, घुटन हो रही है और पता नहीं हम जो कब तक यहाँ पर रह पाएंगे, बट अभी के लिए कोई नहीं, बातें करते टाइम पास करते हैं, देखते कब तक टिक पाते हैं, 24 घंटा कंप्लीट होता है या फिर नहीं। गाइस ये बंकर हमें जिंदा रखे या ना रखे मार जरूर सकता है ना, ये चीज आपको मार भी सकती है। यहाँ पर पहली चीज तो जो रिक्वायरमेंट है वो है फ्रेश एयर, ऐसा कोई ना कोई जुगाड़ तो होना ही चाहिए जो आपको कंटिन्यूसली 24/7 फ्रेश एयर दे, नहीं तो भैया ये चीज खतरनाक है ना। कितने 7 बजे खाना खाएंगे, क्या बोलते हैं? ठीक है वही बनाएंगे ना अपना नूडल्स, कुछ और तो है नहीं। ठीक है पानी रख दो गर्म होने के लिए। ओके गाइस तो अभी हम पानी पहले गर्म कर लेंगे और बाद में जो नूडल्स में डाल देंगे और हमारे नूडल्स जो बनकर रेडी हो जाएंगे। गाइस यहाँ पर गर्म पानी आ रहा है, एकदम बॉइलिंग वाटर आपको डालना है। गाइस तो इसमें पानी मैंने डाल दिया है और अभी आप देख सकते हो सिंपली क्या करना है, इसको कर देना है बंद। ओके गाइस तो अभी मिलते हैं 4 मिनट के बाद में जब हमारे नूडल्स जो वो हो जाएंगे एकदम रेडी। ये बोलते हैं 4 मिनट बट 4 मिनट नहीं होता है गाइस, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ना ये एक कप जो 50 रुपये का आता है, मतलब अपनी जो नॉर्मल मैगी होती है ना उससे महंगी होती है, महंगी जो नॉर्मल मैगी बनती है ना 5 रुपये 10 रुपये वाली वो होती है बेटर, वो बेटर होती है। बाद में गाइस ट्राई करेंगे मूवी देखने का, सांस लेने में तो दिक्कत हो ही रही है, अगर मूवी देख पाएंगे तो मूवी देखेंगे उसके बाद सो जाएंगे। Hey Google, what is time right now? The time is 8:51 PM. तो ऑलमोस्ट 9:09 की देर है। चेहरा जो बहुत ज्यादा पसीने से भीग गया है, सबका यही हाल है ना। Netflix देखने वाले हैं। हाँ Netflix आ गया। तो गाइस Netflix ऑन हो रहा है और हमारे बंकर में हम बैठे हुए हैं जहाँ पर हम अभी नेटफ्लिक्स देखने वाले हैं। गैस तो अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हमें जो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला, तो अभी किशन जो अपने फ़ोन से डायरेक्ट कास्टिंग कर रहा है और उसमें हम मूवी देखने वाले हैं। चले गए ना, कैसे सोएंगे कैसे भैया, सारे ऐसे आ जाएंगे यही सीन में कुछ कर लेंगे। ठीक है गैस अभी के लिए ऐसे हम बैठ कर जो वो मूवी देख कर टाइम पास करने की कोशिश करते हैं, बाकी रात में बहुत दिक्कत होने वाली है जब सोएंगे ना, अभी थोड़ी देर जो मूवी देख लेते हैं। गाइस तो मूवी देखते देखते ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं और अभी धीरे धीरे कोशिश करेंगे सोने की, एयर जो वो हमें रिफ्रेश करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई सब यहाँ पर सुबह तक ऑक्सीजन जो हो जाएगी पूरी ख़त्म और ये बचाने की जगह मारने वाला बंकर बन जाएगा, तो वो ध्यान रखना है ना। और हमने वैसे ऑलरेडी सेट भी कर रखा है ऑटोमेटिक पर कि यार आधे घंटे पर ये ऑन हो जाना चाहिए, उसमें होता है ये सेट करने का। तो ठीक है अभी टीवी देख रहे और
धीरे धीरे सो जाएंगे और सुबह मिलते हैं, देखते हैं कौन कौन जिंदा बचता है। वैसे कुछ होगा नहीं, तो डरना मत कोई, ठीक है? ओके गाइस, तो टीवी देखते हैं और अभी सोने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह हो चुकी है। हम पहले उठे बहुत ज्यादा लेट, 10 बजे के आसपास उठे। वैसे गाइज पूरी रात जो ढंग की नींद नहीं आई है, इसलिए सोते ही रहे सुबह, बच गए हैं सभी और बैठे हुए, और बस हम ये इंतजार कर रहे हैं कि बस भाई ये चैलेंज खत्म हो, ठीक है? मतलब अभी खत्म हो ही चुका है, हम बाहर जाने ही वाले हैं, तो निकले। चलो तो निकलो बाहर। और ओए भैया कर क्या रहे हो, पैर वो जकड़ गए हो गाइस। आप देख सकते हो भाई कितनी तेज रोशनी आ रही है। गाइस अभी हल्का हल्का फ्रेश हवा आने लगी है, मैं जाऊं। ओए ध्यान से बस टकरा मत जाइयो। गाइस फाइनली फ्रेश हवा मिली हमें 24 घंटे के बाद में। ओ तेरी देखो चलेगा, बहुत मुश्किल रहा ये चैलेंज भाई साहब। तो गाइज ये है हमारा बंकर, सभी लोग बाहर आ चुके हैं इससे, और आप देख सकते हो कहीं से पता नहीं लगेगा कि एक बंकर है। एंड गाइज कंप्लीट करने के बाद अभी लाइक का बटन तो बनता ही है, तो फटाफट से जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना, और मिस्टर बीस्ट को इंडियंस की पावर दिखा दो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से मार देना। अभी मेरा मन कर रहा है नहाने का, मैं जा रहा हूँ सीधा घर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।